जिले के खोराबार थाना क्षेत्र के लालपुर टीकर गांव में गुरुवार की रात शादी समारोह में नाचने के दौरान हुए विवाद में बदमाशों ने दो भाइयों को गोली मार दी, जिसमें गोली लगने से 22 वर्षीय दिवाकर उर्फ रघुनाथ निषाद की मौत हो गई, जबकि उसका 20 वर्षीय छोटा भाई विकास घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पूर्व बीडीसी सदस्य राम लक्षण निषाद ने अपने लाइसेंसी असलहे से 5 राउंड फायर किए थे। मामले में पूर्व बीडीसी समेत 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, साथ ही असलहा भी जब्त कर लिया। परिजन घायल विकास को लेकर मेडिकल कॉलेज गए, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि 5 राउंड फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई। भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई, एहतियातन गांव में फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। घटना के पीछे जमीनी विवाद भी वजह बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि लालपुर टीकर गांव निवासी कृष्णा निषाद के घर उसकी बहन की गुरुवार को शादी थी। शादी में नाचने को लेकर रात करीब 9 बजे दिवाकर आदि से विवाद हो गया, जिसके बाद गोली चली। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सभी अभियुक्तों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रामलक्षण निषाद पुत्र भग्गू निषाद, शक्ति पुत्र रामलक्षण निषाद, जितेंद्र पुत्र रामलक्षण निषाद, स्वरूप पुत्र रामलक्षण निषाद तथा मनोहर पुत्र रामलक्षण निषाद निवासी ग्राम लालपुर टीकर बड़का भटवा थाना खोराबार के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने आला कत्ल लाइसेंसी DBBL गन 12 बोर, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस 12 बोर तथा 1 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा, प्रोवाइड कर देगा बताना है ना। और सर उसके पटदार वाले भी जी बता दें डाल दे उसके पटदार वाले भी थे ये पूरा लगा था भी पकड़ पे सब लगा पूरा डंडे से पूरा पीठ पे लगा दिया ठीक हो गया बाकी तो यहां पे लेना होगा आज में पेन पूरा सर मिला किस मामले में बोलते हैं हमें पूरा कोराबार थाना क्षेत्र के लालपुर टीकर गांव में पिछले रात एक रघुनाथ नाम के युवक को गोली लगने से मृत्यु हो गया है। उसका भाई विकास को भी चर्रा लगी हुई है बाराबुर की। घटना ये था कि एक राम लक्षण एवं उनके 4 लड़के इनके द्वारा जो है गांव के कुछ युवाओं को पीटा गया है। उसके खिलाफत में कुछ लोग उनके घर के सामने इकट्ठे हुए थे, उसी भीड़ पे छत से इन लोगों के द्वारा फायरिंग किया गया है। राम लक्षण ने भी अपने लाइसेंसी DBBL से फायरिंग किया है, जिसके चलते एक युवक जो रघुनाथ का मृत्यु हो गया है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के घायलों को भी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां रघुनाथ को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। उनके भाई एवं अन्य लोगों को इलाज कराया गया है। जो घटना में शामिल 5 लोग जो नामजद है, उन सबको तत्काल तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में उपयोग किया गया जो DBBL लाइसेंस असला है, अन्य जो असलाओं को बरामदगी कर लिया गया है।
इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, बाकी जो विधिक कार्रवाई की जा रही है।